लंबे समय से पुलिस को चकमा देने वाले सपा विधायक इरफान सोलंकी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गए। शुक्रवार को इरफान सोलंकी अपने भाई के साथ कमिश्नर ऑफिस में सरेंडर करने के लिए पहुंचे थे, जहां पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इरफान सोलंकी पर दंगा और आगजनी करने का आरोप है, जिसे लेकर अदालत ने इरफान सोलंकी के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। पुलिस ने 8 नवंबर को सोलंकी और उनके भाई रिजवान पर एक महिला के साथ भूमि विवाद के बाद दंगा और आगजनी करने का मामला दर्ज किया था। महिला ने उन पर उसके घर को जलाने का आरोप लगाया था। ये FIR शहर में डिफेंस कॉलोनी की जाजमऊ की नजीर फातिमा की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी। फातिमा का आरोप है कि उसके पास पॉश डिफेंस कॉलोनी में 535 वर्ग गज का एक प्लॉट है, जहां वो 1986 से रह रही थी। विधायक और उसके भाई ने उसकी लगभग 200 वर्ग गज जमीन हड़प ली। विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी मुख्य आरोपी हैं। इन लोगों को लगातार पुलिस ढूंढ रही थी। नॉन अवेलेबल वारंट भी इशू किए गए थे, कई राज्यों में पुलिस ने दबिश दी थी। आज पुलिस के अथक प्रयासों के बाद इन्होंने अपने आप को पुलिस के सामने CP कार्यालय में प्रस्तुत हुए और आत्मसमर्पण किया। उसी केस में पुलिस ने इनको इमिजिएटली अरेस्ट कर लिया है और दोनों को आज को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई इसकी की जाएगी। जो भी उनके तरफ से बात बताई जाएगी, उनके बयान दर्ज किए जाएंगे, वो भी केस डायरी का पार्ट होगा और जो भी साक्ष्य उपलब्ध हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। दोनों विधायक श्री इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी, ये दोनों अरेस्ट किए गए। सोलंकी की गिरफ्तारी की बात करें तो कानपुर से BJP सांसद सत्यदेव पचौरी के समर्थन के बाद कमिश्नर ऑफिस में सरेंडर करने के लिए पहुंचे थे। दरअसल BJP सांसद ने इरफान सोलंकी का समर्थन करते हुए कहा था कि उनके मामले की निष्पक्ष और तथ्यों के आधार पर स्वतंत्र रूप से जांच की जानी चाहिए। वहीं इरफान सोलंकी के खिलाफ फर्जी आधार कार्ड के जरिए हवाई यात्रा करने का भी मामला दर्ज किया जा चुका है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज की खबर। पल पल की अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है आज की खबर। खबर जहां, हम वहां।